आज मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जो कि माय गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऑर्गेनाइज किया गया है। पहले बात करते हैं इस कंपटीशन के डिटेल्स के बारे में। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन दैट इज NEGD, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज MEITY इज ऑर्गेनाइजिंग एन ऑनलाइन पेंटिंग कॉन्टेस्ट बेस्ड ऑन द थीम गो डिजिटल गो पेपरलेस सेव ट्रीज टू कमेमोरेट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 ऑन 5th जून 2021। पहले बात करते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों को क्या क्या अपना डिटेल्स सबमिट करना होगा। पार्टिसिपेंट्स जब भी अपना पेंटिंग सबमिट करेंगे तब उनके साथ पार्टिसिपेंट्स का नेम, अपने फादर्स या मदर्स के नेम, एड्रेस, एज, स्कूल नेम, क्लास, कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी भी मेंशन करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस कॉम्पिटिशन के अवार्ड्स के बारे में। इस कॉम्पिटिशन से टॉप 10 एंट्रीज को डिजिटल सर्टिफिकेट से अवार्डेड किया जाएगा विच इज ऑथराइज्ड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ए चांस टू गेट देयर पेंटिंग्स पब्लिश्ड ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स ऑफ डिजिटल इंडिया। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपना एंट्री सेंड करने के लिए लास्ट डेट है 18th जून 2021। अब डिस्कस करते हैं इस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, इस कॉम्पिटिशन में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के रहने वाले क्लास 6 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स को www.mygovernment.in इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही अपना एंट्रीज सबमिट करना होगा। एंट्रीज सबमिटेड थ्रू एनी अदर मीडियम और मोड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। इस कंपटीशन की सबसे अच्छी बात है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी पार्टिसिपेंट्स को कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री कंपटीशन है। इस पेंटिंग कंपटीशन का थीम है गो डिजिटल गो पेपरलेस एंड सेव ट्रीज। इसका मतलब इस टॉपिक के ऊपर बेस करके पार्टिसिपेंट्स को अपना पेंटिंग रेडी करना होगा और सबमिट भी करना होगा। एक पार्टिसिपेंट सिर्फ एक ही अपना पेंटिंग सेंड कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज बाय द सेम एंट्रेंट और एप्लीकेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन दिस कंपटीशन। कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर प्रोवोकेटिव, ऑब्जेक्शनेबल और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के ऊपर अपना पेंटिंग रेडी करते हैं तो उनका सबमिशन डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। पार्टिसिपेंट्स को अपना पेंटिंग JPEG या PDF फॉर्मेट में रेडी करना होगा। कॉम्पिटिशन्स में विनर्स का नाम NEGD ऑर्गेनाइजेशन ही अनाउंस करेंगे और इस कॉम्पिटिशन का रिजल्ट अपलोडेड होंगे माई गवर्नमेंट पोर्टल में। कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको माई गवर्नमेंट पोर्टल को फॉलो करना होगा फॉर द रिजल्ट। जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कॉम्पिटिशन के लिए अपना पेंटिंग रेडी करेंगे उनको 300 DPI यानी कि हाई रेजोल्यूशन के ऊपर अपना पेंटिंग की फोटोग्राफ रेडी करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में। पार्टिसिपेंट्स को अपना पेंटिंग A2 साइज के कोई भी आर्ट पेपर के ऊपर रेडी करना होगा। पार्टिसिपेंट्स अपना पेंटिंग रेडी करने के लिए आर्टलिक, पेस्टल, वाटर या कोई भी कलर के मिक्स करके भी अपना आर्टवर्क या पेंटिंग रेडी कर सकते हैं। द पेंटिंग शुड बी यूजेबल ऑन द वेबसाइट और मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया सच एज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑन मैगजीन्स, कमर्शियल होर्डिंग्स और स्टैंडीज, ब्राउचर्स, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स, सुविनियर्स एंड अदर पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग मेटेरियल्स। नेक्स्ट बात करते हैं इस कॉम्पिटिशन के इवेल्युएशन क्राइटेरिया के बारे में।
All the entries fulfilling the terms and conditions would be assessed forever, that is digital certificate, by a selection committee constituted by any GD organization. Winners will be facilitated by getting their painting published along with self photograph submitted. Entries would be judged on the basis of elements of creativity, originality, composition, technical excellence, simplicity, artistic merit, and visual impact, and how well the theme is communicated. The decision of the selection committee would be final and binding all the participating contestants, and no clarifications would be issued to any participant or applicant for any of their decision. जून मंथ क्विज कॉन्टेस्ट की सेवेंथ क्वेश्चन है, CBSE has collaborated with DAS for introducing coding curriculum for classes 6 to 8. ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी HCL एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट. इनमें से जो भी आपको सही आंसर लगे जल्द से जल्द academy.geet90@gmail.com इस मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए. जो भी पार्टिसिपेंट सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन का सही आंसर देंगे वही जून मंथ क्विज कॉन्टेस्ट के विनर्स होंगे और घर बैठे कैश प्राइज भी जीत सकते हैं. जून मंथ के क्विज कॉन्टेस्ट की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं. अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं. पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स का वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. आप लोग वहां पर जाकर क्लिक करने से देखिएगा इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएंगे जहां पर लॉग इन टू पार्टिसिपेट बोलकर एक ऑप्शंस मिल जाएंगे. आप लोग वहां पर जाकर क्लिक कर दीजिए. जो भी पार्टिसिपेंट्स का माई गवर्नमेंट वेबसाइट पे पहले से अकाउंट नहीं है वो सारे पार्टिसिपेंट सबसे पहले रजिस्टर नाउ बटन पर जाकर क्लिक करके अपना बेसिक डिटेल्स देके पहले अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए. उसके बाद ही पेंटिंग कॉन्टेस्ट में एंटर करके अपना एंट्री सबमिट कर सकते हैं. मेरा माई गवर्नमेंट वेबसाइट पे पहले से अकाउंट है तो मैं यहाँ आप लोगों को अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू एंटर करके दिखाती हूँ. देखिएगा इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएंगे जहां पर नीचे स्क्रॉल करके डू दिस टास्क नाउ इस बटन पर जाकर आप लोग क्लिक कर दीजिए. क्लिक करने के बाद सबमिट टास्क बटन पर जाकर क्लिक कीजिए. नीचे ऐड इमेज और पीडीएफ बोलकर एक ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां पर क्लिक करके आप लोग अपना पेंटिंग अपलोड कर सकते हैं. अपलोड करने के बाद फाइनली सेव बटन पर जाकर क्लिक करने से आपका पेंटिंग सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे. आपका अगर डाउट है कि आपका सबमिशन सक्सेसफुली सबमिट हुआ है कि नहीं तो 24 आवर्स के अंदर माई सबमिशंस पर जाकर क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं आपका एंट्री सक्सेसफुली सबमिट हुआ है कि नहीं. अगर आपका सबमिशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है तो यहाँ पर जरूर शो करेंगे और अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर नो सबमिशंस फाउंड बोलकर दिख जाएगा आप लोगों को और आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि आप लोगों का सबमिशन सक्सेसफुली सबमिट हुआ है कि नहीं. आई होप आज की इस वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगी इसी तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेके. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.